खाने में मिलावट एक शऊरी फैसला है। मिलावट शुदा खुराक का इस्तेमाल जहर खाने की मानिंद है। गिलगित बल्तिस्तान के बाजारों, गली मोहल्लों में मौजूद दुकानें और बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जो गैर मिलावट शुदा हो। मिसाल के तौर पर तेल, चीनी, आटा, नमक, मसाले, हत्ता के दालें तक गैर ज़रूरी अशिया के साथ मिलावट शुदा हैं। अफसोस की बात तो ये है कि हमारे माशरे के सब कुछ चलता है और कुछ नहीं होता, जैसे अकीदों के बायस गिलगित बल्तिस्तान में मिलावट का ट्रेंड परवान चढ़ रहा है, जिसके बायस हमारे माशरे के ईमानदार ताजर और दुकानदार भी गैर कानूनी तरीक़ों से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इनकरेज होते हैं। गिलगित बल्तिस्तान, ज़रा सोचो, तुम्हारे बाज़ारों में ऐसी क्या चीज़ है जो गैर मिलावट शुदा या ख़ालिस हो? डुप्लीकेट घी से लेकर मिलावट शुदा पेट्रोल तक, पानी मिले दूध से लेकर धूल मिली पत्ती तक, मिर्च के नाम पर बिकने वाले सुर्ख रंग से लेकर नमक के नाम पर बिकने वाले चूने तक, हर गैर मियारी, गैर खालिस और मिलावट शुदा चीज़ तुम्हारी दुकानों की जीनत बनी हुई है। खुराक में मिलावट रोज़ का मामूल बन चुका है और सारिफीन की तालीम और आगाही वक्त की ज़रूरत। दुख तो इस बात का है कि जहाँ पूरी दुनिया का रुझान प्योर ऑर्गेनिक और होम मेड डाइट की तरफ बढ़ा है, वहीं पूरा पाकिस्तान गैर मियारी फैक्ट्री में बनी बासी और मिलावट शुदा चीज़ें खरीदने में मसरूफ है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चीज़ें पढ़कर और देखकर ख़रीदें और सादा और खालिस खुराक का इस्तेमाल खुद भी करें और अपने अज़ीज़ो क़ारिब को भी कराएँ। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस पैगाम को अपने अज़ीज़ो क़ारिब के साथ शेयर करें और साथ मिलकर बनाएंगे हमें खुशहाल और सेहतमंद गिलगित बल्तिस्तान। शुक्रिया।